नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं प्रशांत कटारी। तो एमपी की महाडिबेट में आज बात होगी प्रतिद्वंदियों से ज्यादा अपनों के विरोध से घिरी कांग्रेस की। प्रत्याशियों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस में बगावत की ऐसी लहरें उठ रही हैं जिससे चुनावी नैया हिचकोले खा रही है। टिकट कटने से नाराज नेताओं के तेवर तल्ख हो गए हैं और बागी स्वर बुलंद। समर्थक भी संग्राम के मूड में है और चुनावी रण में अपनी पार्टी को हराने पर आमादा। अब कांग्रेस दुविधा में है कि सत्ता के फाइनल मैच में विरोधियों के खिलाफ रणनीति बनाए क्या अपनों से निपटने की नीति। करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। जश्न की यह तस्वीर देर रात कांग्रेस के 88 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद की है। इन तस्वीरों में टिकट हासिल करने वाले नेताओं के समर्थकों का जश्न है, लेकिन खुशी का इजहार जितना जोरदार हुआ उससे ज्यादा विरोध का वो तूफान था जिसने टिकट का ऐलान होते ही कांग्रेस के लिए संकट बनकर दस्तक दे दी। कहीं मौजूदा विधायकों के टिकट कटने को लेकर गुस्सा है, तो कहीं उन दावेदारों के समर्थक सड़क पर उतर चुके हैं जिनके सपने चुनावी रण में उड़ान न भर सके। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में अलग अलग वजहों से 6 मौजूदा विधायकों का पत्ता साफ कर दिया, जिनमें 3 चंबल ग्वालियर, 2 मालवा निमाड़ और 1 भोपाल के विधायक शामिल हैं। सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा को बेटिकट कर कुलदीप सिकरवार को प्रत्याशी बनाया गया। मुरैना से राकेश मावई के टिकट पर कैंची चली, उनकी जगह दिनेश गुर्जर को उम्मीदवार घोषित किया गया। गोहद में मेवाराम जाटव की जगह केशव देसाई को टिकट दे दिया गया। वहीं सेंधवा में मोंटू सोलंकी ने मौजूदा विधायक ग्यारसी लाल रावत को सर्वे में पछाड़ दिया। उज्जैन के बड़नगर से विधायक मुरली मोरवाल की जगह राजेंद्र सिंह सोलंकी पार्टी के चेहरे होंगे। वहीं ब्यावरा में रामचंद्र दांगी पर पुरुषोत्तम रामचंद्र की दावेदारी भारी पड़ गई। टिकट कटने के बाद विरोध के सुर कुछ इस तरह मुखर हो गए हैं, जहां सुमावली विधायक अजब सिंह कुशवाहा ने कमलनाथ को मुरैना की सभी 6 सीटों पर हराने की चुनौती दे डाली। वहीं भांडेर से टिकट की दावेदारी कर रहे कांग्रेस प्रदेश महामंत्री भानु ठाकुर ने हाथ का साथ छोड़कर कमल थाम लिया। मेरा जो टिकट काटा गया है तो ये मेरे समर्थनों का समर्थक जितने भी है, और मेरा भी ये चैलेंज है कि मुरैना की 6 की 6 सीट माननीय कमलनाथ जी को हरा कर यहाँ से भेजूंगा। बहुत मजदूरी की मैंने कांग्रेस में, बहुत मजदूरी की, लेकिन जब मेरा स्वाभिमान और सम्मान जागा और जब मुझे नरोत्तम मिश्रा जी का और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का आशीर्वाद मिला और मैं जननायक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के सानिध्य में, उन्हीं के आशीर्वाद में आज दतिया में काम करूंगा। कांग्रेस के प्रत्याशियों का ऐलान देर रात हुआ और रात के अंधेरे में ही विरोध की मशाल जल उठी। चुनावी जंग में बगावत के सुर बुलंद हैं और कांग्रेस के लिए आफत की आहट। सिवनी मालवा में प्रत्याशी अजय पटेल का विरोध शुरू हो चुका है। शुजालपुर में प्रत्याशी रामवीर सिंह सिकरवार का पुतला फूंक कर प्रदर्शन किया गया। बुरहानपुर में प्रत्याशी बनाए गए निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। पवई के प्रत्याशी मुकेश नायक के खिलाफ भोपाल में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर नारेबाजी हुई। दतिया के सेवड़ा में भी कांग्रेस के मौजूदा विधायक और प्रत्याशी घनश्याम सिंह का विरोध हो रहा है। मऊ में प्रत्याशी राम शुक्ला के विरोध में रैली निकाल दी गई। गुना में पंकज कनेरिया के खिलाफ विरोध का शोर तेज हो गया। देवास के खातेगांव से दीपक जोशी को प्रत्याशी बनाने के विरोध में कांग्रेस नेता लक्ष्मी नारायण बंडावाला ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस में टिकट के लिए तकरार और सिर्फ फुटावल विरोधियों के लिए चुटकी लेने की वजह बन चुकी है। सीएम शिवराज ने अपने अंदाज में कांग्रेस पर तंज कसा और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को अपने निशाने पर एक बार फिर से लिया। कुछ टिकट कमलनाथ जी ले गए, कुछ दिग्विजय जी ले गए, बाकी हाथ मलते रह गए। अब आपस में लड़ाई मची हुई है, विरोध हो रहा है, पुतले जल रहे हैं। एक अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है, दूसरा अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है, तो दुर्गति कांग्रेस के अंदर भी है। ये एक बहुत अच्छा साइन है। विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि सबको इस पर प्रतीत हो रहा है कि देयर इज अ ह्यूज बैकलैश कांग्रेस के पक्ष में। कांग्रेस जीत रही है, इस वक्त कांग्रेस का लीडर बॉयंट है, वो चुनाव लड़ना चाहता है, जीतना चाहता है। इसीलिए जब जहां जहां बीजेपी के कुछ लोगों को टिकट्स दी गई हैं, ही फील्स डिप्राइव्ड एंड डिनाइड, इसलिए वो अपनी बात बोल रहा है। बट ये सब चीजें विद पैसेज ऑफ टाइम सेटल डाउन हो जाएंगी।
उधर कांग्रेस सधे हुए अंदाज में जवाब देकर इस विरोध को स्वाभाविक बता रही है। अब देखना यह है कि कांग्रेस में टिकट को लेकर उठा विरोध का तूफान क्या उसके सत्ता के सफर में रोड़ा बन पाएगा, या फिर पार्टी अपनी रणनीति से हर आवाज को शांत कराते हुए आगे निकल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो एक तरफ जहां बीजेपी 136 सीटों पर अटक गई, वहीं कांग्रेस ने लगभग पूरी एक सीट छोड़ दी जाए तो लगभग सभी सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया। लेकिन नामों के ऐलान की देरी थी, विरोध के स्वर भी फूट पड़े। देर रात हालांकि ये सूची आई थी, मकसद यही होता है देर रात सूची देने का, ताकि बैलेंस किया जा सके, माहौल ज्यादा ना बन पाए विरोध में। करेंगे इसी पर चर्चा। चार खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग, बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी आपका। राजपाल सिसोदिया जी, प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी स्वागत है। यश भारती जी हमारे भारतीय जी हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से, और राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं इस चर्चा में। भूपेंद्र गुप्ता जी, अगर आवाज आप तक पहुंच रही तो सबसे पहले आपके पास आऊंगा। नाम लगभग सारे ऐलान हो गए, बहुत अच्छी बात है। बीजेपी से इस मामले में आप दो कदम आगे निकल गए, एक सीट बची है, लेकिन जो विरोध उठे हैं उन्हें कैसे थामेंगे? हेलो जी भूपेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? भूपेंद्र गुप्ता जी, किससे आप पूछ रहे हैं? जी जी, आप ही से सवाल है, विरोध कैसे थामेंगे? अच्छी बात है, सारे टिकट हो गए, लगभग एक सीट छोड़ दी जाए तो। जी कल परसों तक विरोध खत्म हो जाएगा। घर के लोग हैं, और घर के लोग हैं तो जो घर के लोगों को जिस तरह समझाया जाता है समझा दिया जाएगा। जब सरकार बनती है, सत्ता आती है, तब जो है बहुत सारे स्थान होते हैं लोकतंत्र में भागीदारी के, तब इसको जानते हैं और इसको समझते हैं। जब सब शादी ब्याह होते हैं, उत्सव होता है, दो चार दिन ढोल बजते हैं, कभी बीजेपी में बजेंगे, थोड़े दिन बाद देखिएगा तब आप इसी भाषा में उनको ललकारिएगा। अभी सवाल उठेगा, मत चिंता करिए। लेकिन भूपेंद्र जी ये बताइए, जो सबसे बड़ा विरोध का चेहरा इस वक्त बने हैं अजब सिंह कुशवाहा, वो कह रहे हैं कि मुरैना जिले की सभी 6 सीटें हरा कर भेजेंगे। नहीं, उनके कहने से 6 सीटें हार जाएंगे क्या जी? या अगर आप इसकी गारंटी देते हो कि 6 सीटें हार जाएंगे, वापस कैसे लाएंगे? उन्होंने तो दल ही बदल दिया जी। हाँ, तो वापस लाने की कोई ऐसी कोई आवश्यकता है क्या? जो बातचीत है वो सामने है, अगर वो जो है मान जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं मानेंगे तो पहले भी बीएसपी हमारे खिलाफ चुनाव लड़ती रही है, पहले भी दूसरी पार्टियां चुनाव लड़ती रही है जी। ठीक बात है, चले। राजपाल सिसोदिया जी, 136 पर आपकी सूची अटक गई, शुरुआत की जो सूची आई उनमें भी विरोध देखने को मिला, अब यही डर है क्या बाकी सूचियों को लेकर कि भाई विरोध ना बढ़ जाए? राजपाल जी, राजपाल जी आवाज मिल रही मेरी आपको? राजपाल जी सुन पा रहे हैं क्या? चले चले, यश भारती जी के पास जाऊंगा। यश भारती जी, समाजवादी पार्टी, बहुत अच्छी बात थी, आप लोग पूरा दम भी लगा रहे थे, आशाएं भी थी बहुत सारी कि भाई गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का हो जाएगा, लेकिन धोखा मिल गया क्या एमपी में समाजवादी पार्टी को, या हम कहें कि केंद्रीय स्तर पर जो गठबंधन हुआ उसे ही आप सही तरीके से नहीं समझ पाए? नहीं, निश्चित तौर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बात कही है कि जो इंडिया गठबंधन हुआ ये गठबंधन है जी। अब इसको कांग्रेस पार्टी ये डिवाइड करना चाहती है कि हमने 2024 के लिए केवल किया है, उसके पहले जो विधानसभा चुनाव होंगे या अन्य जो चुनाव होंगे उसके लिए नहीं है, तो ये कन्फ्यूजन का काम हुआ है। तो ये बड़ा दल है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने इंडिया गठबंधन शुरू होने से पहले ही ये कहा था कि पीडीए हराएगा एनडीए को, यानी पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक हराएगा एनडीए को। और उन्होंने उसके साथ में ये बात भी कही थी कि जो दल जिस राज्य में मजबूत स्थिति में, ये उसकी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी को वो कैसे रोकेगा, सहयोगी दलों को के साथ में कैसे सहयोग लेगा। कांग्रेस पार्टी ने को सहयोग नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, हम राजनीतिक पार्टी हैं, अपना चुनाव लड़ेंगे, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वोटर्स हैं हमारे पास, हम चुनाव लड़ेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर साथ में रहेंगे। लेकिन जी
अब इंडिया गठबंधन 2024 के लिए हुआ है, एक फॉर्मूला कांग्रेस पार्टी ने हमको दिया है, एक माइलस्टोन कांग्रेस पार्टी ने हमको दिया है कि मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव हमने लड़ा और उसमें हमने समाजवादी पार्टी को इसीलिए नहीं लिया कि उसकी स्थिति इस तरीके की थी, 230 में से उनके पास एक सीट उन्होंने जीती थी 2018 में, और उनका राजनीतिक दल जो है वो इतना मजबूत नहीं था, जबकि उसने ये भी ऑफर दिया समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को कि आप हमारे चुनाव चिन्ह पे अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाइए। तो उनके प्रदेश अध्यक्ष ने ये बात कह दी कमलनाथ जी ने कि हमारे लोग समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पे लड़ने के लिए तैयार नहीं, हम क्या कर सकते हैं, यानी उन्होंने ये संदेश दिया कि कमलनाथ जी की बात उनके लोग नहीं सुन रहे हैं। तो यही माइलस्टोन और यही फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में हम कांग्रेस पार्टी को बताने की कोशिश करेंगे कि आपने अपनी मजबूत स्थिति हमें मध्य प्रदेश में इलेक्शन होता है, वोटर होता है, उसमें विधानसभा और लोकसभा कुछ अलग अलग होता है। जब भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो क्या राज्य में अलग फॉर्मूला बनेगा और केंद्र में अलग नहीं, एमपी में बदल गया। मैं आ रहा हूं आपके पास दोबारा, राजपाल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। राजपाल जी, 136 पर आप अटके हुए हैं, कांग्रेस कह रही कि भाई आप तो डर गए हैं भाई, अभी तक अगली सूची नहीं आ पा रही, चिंता इसी बात की है बगावत ना हो जाए। पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग चल रही है दिल्ली में जी, और लगातार हमारे जो है दौरे भी चल रहे हैं साथ साथ में। आप देखेंगे माननीय और मोदी जी कल ग्वालियर में आ रहे हैं, तो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड अपनी सहूलियत से बैठ रहा है और उचित समय पर एक संतुलित सूची लाकर पेश करने का काम हम करेंगे। कांग्रेस जैसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, घोर अनुशासनहीनता के साथ में कांग्रेस के पास में है स्वच्छ छवि के मैदानी कार्यकर्ताओं का अभाव है, इसीलिए आप देखेंगे कि दूसरी पार्टियों के आए हुए लोग और उसके साथ साथ में खुद की पार्टी के बागी लोग जो पिछले चुनाव कांग्रेस के खिलाफ लड़ते आए हैं, इस प्रकार के लोग और भ्रष्टाचार और अनैतिक कार्यों में लिप्त जिनके ऊपर 11-11 मुकदमे हैं, ऐसे लोगों को कांग्रेस ने, उन दागियों को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। उसी का नतीजा है कि आपकी स्क्रीन पे चल रहा है कि लगातार घोषित उम्मीदवार पुतले दहन। राजपाल जी, दागी और बागी दोनों दलों में है, सभी दलों में, बल्कि हम कहें तो गलत नहीं होगा, लेकिन जहां तक बागियों का सवाल है तो बीजेपी में भी क्या नहीं है बागियों, और कांग्रेस जो है लगातार वादा खिलाफी भी करने का काम कर रही है। जिस प्रकार से अभी सपा के नेता बोल रहे थे ये घमंडिया गठबंधन भी टूट के कगार पे है, जिस प्रकार से दिल्ली में तो दोस्ती और राज्यों के अंदर कुश्ती करने का काम जो कर रहे हैं, और ये जो टिकट वितरण हुआ है असंतुलित टिकट वितरण कांग्रेस का हुआ है, कुछ टिकट कमलनाथ जी ले भगे, कुछ टिकट दिग्विजय सिंह जी ले भगे और बाकी लोग हाथ मलते रह गए। ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं बिल्कुल सटीक बात बैठ रही है मध्य प्रदेश के अंदर, और कमलनाथ जी तो अपने आप को जो है टिप्पणी की इस पर मैं जरूर रिएक्शन लूंगा भूपेन्द्र जी का, लेकिन उससे पहले सौरभ दुबे जी के पास जाऊंगा। सौरभ जी, भाई विधानसभा में जो बागी हैं वो चुनावी गणित बिगाड़ने का बनाने का मादा रखते हैं, लेकिन सवाल ये कि अब समय बहुत कम बचा है, कांग्रेस हो या बीजेपी, अब अगर आप मैनेज नहीं कर पाए तो दिक्कत है। देखिए, जब चुनाव आते हैं तो चुनाव में जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उसके अंदर जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा लेकर के आते हैं लोग, उनकी महत्वाकांक्षाएं दिखती हैं, तो हर पार्टियों के अंदर ऐसा होता है कि जब टिकट बंटवारा होता है तो उसके बाद आपस में खटपट होती है। विशेष बात इसमें यह देखने को मिलती है कि भारतीय जनता पार्टी के पीछे एक संगठन, बड़ा संगठन काम करता है, और भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, शीर्षस्थ नेता हैं, केंद्रीय नेता हैं, वो सामंजस्य बैठा करके कहीं ना कहीं जो चीजें खटपट वाली हैं उसको कहीं ना कहीं शांत करा लिया जाता है। वहीं उल्टा कांग्रेस में देखने को मिलता है कि शीर्ष नेतृत्व और जो राज्य का नेतृत्व है उसमें खटपट ऊपर से ही बनी रहती है, तो कार्यकर्ता तक पहुंच ही नहीं पाते, जिसके कारण कार्यकर्ताओं को पार्टी छोड़ करके जाना पड़ता है। अभी जिस प्रकार से हमने स्पष्ट रूप से देखा कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के बीच में विवाद, जो मंचों पर जिस प्रकार से भाषा का प्रयोग हो रहा है, कपड़े फाड़ने की बात चल रही है, आज उसी प्रकार से एक बयान में अखिलेश यादव जी के लिए भी उन्होंने कह दिया कौन अखिलेश कौन, मैं जानता नहीं। सिंह साहब ने भी बताया, कमलनाथ जी ने भी बताया, आप आज वो भी देखिए ना, जो समाजवादी पार्टी, मैं तो उनसे भाई साहब हृदय से मेरी तो उनके साथ संवेदनाएं हैं, अखिलेश यादव जी के साथ जो 1 बजे रात तक जाग करके
टिकट का इंतजार कर रहे थे और उनको 1 बजे रात में पार्टी ने धोखा दे दिया। जहां से उनके कैंडिडेट जीते थे वहीं से उनके अपने कैंडिडेट कांग्रेस ने उतार दिए। और आज जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने जाते जाते कहा कौन अखिलेश, अखिलेश छोड़ो यार, अगर इस तरह की भाषा आप अपने गठबंधन के साथियों के साथ कर रहे हैं तो ये आपका गुरूर, ये जो सामंती सुरूर है, ये कहीं ना कहीं दिखता है कि आपका जो राजशाही घमंड है ये किसी न किसी प्रकार से अगर आपकी सत्ता भी बनती है तो लोग छोड़ के उसी प्रकार भाग जाते हैं जिस प्रकार से ज्योतिराव सिंधिया पिछली बार सरकार छोड़ के चले गए। इस पर जरूर जी भूपेन जी के पास जाऊंगा। भूपेन जी, एक तो ये कि भाई गुरूर आ गया है आपके नेताओं में, ये बात सौरभ दुबे जी आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा, एक जो बागियों पर हमारी चर्चा चल रही थी, एक और दूसरा बड़ा फेस सुरेंद्र सिंह शेरा के खिलाफ बगावत उठ खड़ी हुई, आपका जिला अध्यक्ष विरोध में आ गया, कैसे लड़ेंगे चुनाव वहां पर? मुझे अभी पता नहीं कि सौरभ जी जो है किस पार्टी में है, लेकिन जो है बड़ा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारी चर्चा में जुड़े जी। राजनीतिक विश्लेषक ऐसे नहीं होते हैं जो किसी पार्टी के लिए बात करें। अरे आप व्यक्तिगत छोड़ करके आप अपनी पार्टी ये मेरी बात मेरी अभी चुप रही है आप सर्टिफिकेट मत देने काम करिए। हम वही काम कर रहे हैं, आप जैसे लोगों को जो है एक्सपोज करना भी जरूरी है। देखिए आपकी भाषा जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है ना उनसे चोले, चोले, मालूम है मुझे कमलनाथ जी के सच्चे आप मुद्दे की बात करिए। आज जो कमलनाथ जी ने बोला अखिलेश अखिलेश उस पर बयान दीजिए। मुद्दे की पार्टी की बात कर रहा हूँ, मुद्दे की बात कर रहा हूँ। आप ज्वाइन कर लीजिए पार्टी जहाँ से बोल रहे हैं। नहीं ना, मुझे ज्वाइन करना होगा तो आपसे पूछ के ज्वाइन नहीं करूंगा ना। मुझे अगर ज्वाइन करना होगा आपसे पूछ के जो है आपके बयान तो सुन रहा हूँ ना मैं। नहीं, आप बयान सुन रहे हैं तो आप क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आज कमलनाथ जी ने नहीं बोला अखिलेश यादव पे बयान, मैंने अगर कोई गलत बात कही हो तो आप उसको काट दीजिए। मेरी अगर कोई भी बात गलत हो तो आप काट दीजिए। पर रहे हम अपने तर्कों के साथ। सुरेंद्र सिंह शेरा का चुनाव कैसे लड़ेंगे? जिला अध्यक्ष आपका विरोध में आ गया है। भूपेन जी, 23 जो पार्षद हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया, एक साथ लामबंद हो गए। ये सब व्यवस्था अभी ठीक हो जाएगी। 2 दिन आप रुकी है और अभी इतना जो है इतना उत्साहित मत होइए। अभी 2 दिन बाद बीजेपी का हाल देखिएगा, ये अभी इनके इन्हीं का हाल देखेंगे सिसोदिया जी का। ये जो है सभी राजनीति उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। सुन लीजिए मेरी बात, मुझे कहने दीजिए। ये सभी राजनीतिक दलों में ये परिस्थितियां निर्मित होती है, ये सभी राजनीतिक दलों में होती है और सभी राजनीतिक दलों में शांत हो जाती है। बीजेपी का अगर 18 का चुनाव याद हो तो दरवाजे टूटे, इनके जो है कांच टूटे, इनके जो है नेता पिटे हैं और अभी भी नेता जो है जूते चप्पलों से पिटाई हो रही है। ये आपको जहां भी देखना हो पब्लिक डोमेन में इनके सारे वीडियो उपलब्ध हैं। तो ये परिस्थिति जो है इसका कोई वो नहीं होता है। और कल आप परसों देख लीजिएगा ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। आपकी तो सरकार गिर गई थी। ये ठीक है, अरे सुन लीजिए वो कैसे गिरी थी आपको पता है। बहुत सारे लोग बिक जाते हैं तो बिक गए लोग, और अभी जो है उनको आप बहुत महान लोग बोलते हैं। राजपाल जी, राजपाल जी से रिएक्शन ले लेते हैं। राजपाल जी, आपकी सूची का इंतजार है कांग्रेस को। कैसे गिरी जी सरकार, कैसे गिरी? ये जो है ये खरीदार लोग जो है राजपाल जी ये संयम सीखिए आप, तब हम भी सीखेंगे आपकी जो है। अरे आपसे तो आपकी सूची का दूसरा ये कि भाई बागियों की संख्या आप में भी आपकी पार्टी में भी कम नहीं। ममता मीणा गई थी छोड़कर, वीरेंद्र रघुवंशी कांग्रेस में गए, उन्हें वहां से टिकट मिल गया। नीरज शर्मा आपकी पार्टी से छोड़कर गए, कांग्रेस से टिकट मिल गया। भूपेन जी को कहना चाहता हूँ, भूपेन जी तो बहुत सीनियर प्रवक्ता है कांग्रेस के, उपाध्यक्ष भी मीडिया से। हम तो भूपेन जी आपसे भी सीखते हैं और हमारे जो राजनीतिक विशेषज्ञ उनसे भी हम सीखते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बड़ी विनम्रता के साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी सूची और अपने घर को संभालने में सक्षम है। कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को बहुत आवश्यकता नहीं है कि हमारे यहाँ के घर में क्या चल रहा है उसको आके जाके। बेहतर होगा कि उनके घर में व्यवस्थाएं ठीक करें, बेहतर होगा कि उनके नेता जो आपस में कपड़ा फाड़ प्रतियोगिता कर रहे हैं उसके बारे में बोले। बेहतर होगा कांग्रेस के नेताओं को कि जो उनके उम्मीदवारों के खिलाफ जिस प्रकार से नारेबाजी हो रही है, पुतला दहन हो रहा है, शराब माफिया नहीं चलेंगे,
सेना के खिलाफ जिलाध्यक्ष हो गए हैं, 11-11 मुकदमे जिनके ऊपर दर्ज है, 11-11 मुकदमे जिनपे दर्ज है, विपिन वानखेड़े जैसे लोग इनके उम्मीदवार है जिनके ऊपर हत्या के प्रकरण, हत्या के प्रयास के प्रकरण दर्ज है, वो लोग इनके उम्मीदवार है। यश भारतीय जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। यश भारतीय जी, मेरा भी सवाल है कि भाई क्या रणनीति कोई बदलेंगे क्या भाई, जिन सीटों पर आप पहले उतारते थे मैदान में अपने उम्मीदवार, क्या फिर बढ़ाएंगे क्या भाई अगर कांग्रेस ने मना कर दिया तो? देखिए अब हाँ और ना की बात तो खत्म ही हो चुकी है ना, अब तो कांग्रेस पार्टी की पूरी 230 में से 229 सीटों की घोषणा हो चुकी है, तो अब वो बात तो खत्म हो चुकी है समझौता की। अब राजनीतिक पार्टी के रूप में हमारी क्या भूमिका रहेगी और अन्य दलों की क्या भूमिका रहेगी वो बात रहेगी। हम बड़े जिम्मेदारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जनता को विकल्प दे रहे हैं। सवाल उठता है भारतीय जनता पार्टी जहां बड़े दावे करते हैं उसको सत्ता से हटाना है। सर्वे सर्वा नेता के खिलाफ अगर शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है कि भाई कौन अखिलेश क्या बात करें, अखिलेश प्रशांत भाई मैं बस आत्मीय रूप से आपने बहुत किया है, ठीक है, अब मेरा जवाब मुझको देने दीजिए। देखिए दो बातें, एक अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी बोल रहे थे कि बड़ा स्वच्छ छवि बताने की कोशिश कर रहे थे, इनकी रीवा से मऊगंज के विधायक हैं प्रदीप पटेल जी, उनकी एक किताब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माध्यम से जारी की थी जिसमें प्रभु राम के जन्म को लेकर अस्तित्व को लेकर के उन्होंने बड़ी बात करी है, दशरथ जी को उन्होंने अय्याश किस्म का आदमी बताने की कोशिश की, सीता मैया के अस्तित्व को उन्होंने बात करी और उन्हें पुनः टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना धर्म प्रेम बता दिया है। मौर्य के बारे में आपका क्या ख्याल है? स्वामी प्रसाद मौर्य जो रामचरितमानस पे लगातार उसमें कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं, उनको आप भूल जाते हैं क्या? आप नहीं, आप राजनीतिक विश्लेषक ही है ना? नहीं, लेकिन आप राम भगवान के अपमान की बात कर रहे हैं, मौर्य आपकी पार्टी से है ना, स्वामी प्रसाद मौर्य बोला तो आप उत्तेजना तो ऐसे हो गई जैसे आपने बात भाई भगवान राम का अपमान होगा तो उत्तेजना तो आएगी ना, आप देंगे ना भगवान राम का अपमान करेंगे तो उत्तेजना आएगी। ये समाजवादी पार्टी का तो एजेंडा बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी भाजपा के अंदर, बिल्कुल आएगी और प्रदीप पटेल को दोबारा टिकट दे देंगे, लेकिन सौरभ जी राजनीतिक विश्लेषक भाजपा से सवाल नहीं कर पाएंगे, सवाल करेंगे समाजवादी पार्टी से, ये राजनीतिक विश्लेषण होगा उनकी राजनीतिक। नहीं, मैं उसका भी विरोध करता हूँ जिसने भी राम के नाम का अगर विरोध किया है, मैं सभी का विरोध करता हूँ। सुनिए सौरभ जी, अरे सौरभ जी सुन लीजिए, दूसरी बात जो बात हो रही है टिकट देने की, टिकट वितरण को देकर के आपने उस पर जवाब नहीं दिया जो सवाल था कि रणनीति बदलेंगे क्या भाई, 10 सीटों 20 सीटों की बजाय क्या 22-25 सीटों की बजाय क्या 230 सीटें टारगेट करेंगे क्या? एक लाइन में प्रशांत भाई, हमारी 3 सूची जारी हो चुकी है जिसमें हम 33 प्रत्याशी उतार चुके हैं, आप क्या चाहते हैं राजनीतिक पार्टी के रूप में हम चुनाव ना लड़े? इंडिया गठबंधन पे सवाल उठ रहे हैं, हम तो वही पूछ रहे हैं क्या 230 पर आएंगे क्या? एनडीए पे भी सवाल होने चाहिए, चक्की पिसल वाले चाहिए, सभी सवाल होने चाहिए, और हरियाणा में विरोध करता है उसके बाप को जेल से निकालने के लिए उप मुख्यमंत्री बना दें, वो एनडीए सौरभ जी के पास गठबंधन का क्या होगा, वो बीजेपी पार्टी का क्या होगा? सौरभ जी सवाल हर चीज के लिए विपक्ष से सवाल होगा, सौरभ जी से सवाल कब करेंगे? सौरभ जी आपसे सवाल है मेरा, सौरभ जी प्रदीप पटेल के लिए सवाल करें बताइए, ठीक है जी प्रशांत जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए यश भारती जी प्लीज, यश भारती जी आ रहा हूँ, यश भारती जी आ रहा हूँ, आ रहा हूँ आपके पास। सौरभ जी थोड़ा सा इस लिहाज से समझाइएगा कि क्या वाकई में कोई चूक हो गई क्या कांग्रेस से, चूंकि ग्वालियर चंबल या फिर हम कहीं यूपी से लगी हुई बेल्ट में समाजवादी पार्टी का वोट है, कुछ सीटें अगर देकर क्या संख्या बढ़ाई जा सकती थी? देखिए मैं वही कह रहा हूं आपको कि जिस प्रकार से टिकट का वितरण किया गया है, दिग्विजय सिंह के परिवार को जिस प्रकार से टिकट दिया गया पहली लिस्ट के अंदर और वहां से एक विरोध उत्पन्न हुआ था, उसके बाद आपने जो शिवराज सिंह चौहान जी के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किया जिसको आप एक हिंदू के रूप में प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, सनातन का समर्थन दिखाना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऐसे तो पूरे देश में विरोध करती है, सनातन विरोधी मानी जाती है, लेकिन ठीक है कमलनाथ जी अगर अपना एक अपना चेहरा बनाना चाहते हैं हिंदुत्व के प्रति जो है तो कोई दिक्कत नहीं है, और लेकिन गृह मंत्री के खिलाफ भी आप वही चेहरा करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर थे, वो 2 महीना पहले आपकी पार्टी ज्वाइन की और उनको आपने टिकट दे दिया, तो क्या कार्यकर्ताओं की कमी रह गई है क्या, या ऐसे लोग नहीं है जो मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत करके आ सके? लेकिन इतना तय है बीजेपी कांग्रेस ने अपनी तस्वीर साफ कर दी, इंतजार बीजेपी का है बाकी बची सीटों पर कब तक बीजेपी साफ करती है तस्वीर, और क्या वाकई जो स्थिति या जो तस्वीर कांग्रेस में दिखी है वो तस्वीर भी बीजेपी में नजर आएगी क्या, ये सवाल है। चर्चा को यही खत्म करेंगे, बहुत धन्यवाद आप सभी खास मेहमानों का।